नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ गौराशी श्रीवास्तव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने शांत रवैये के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए वो अपना आपा खो बैठे? क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुरुवार को बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जब नीतीश कुमार प्रचार करने पहुंचे तो शिक्षा कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में बैनर दिखाकर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहा। इस पर नीतीश कुमार उन प्रदर्शनकारियों पर जमकर बरस पड़े। नीतीश कुमार ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि ये वित्त रहित शिक्षा नीति वाला दिखाना है तो कल कांग्रेसिया सब आएंगे, उनको दिखाइएगा। समझ गए ना, ये मेरे टाइम की चीज नहीं है। देखो भैया, ये वित्त रहित शिक्षा नीति दिखाना है तो कांग्रेसिया आएगा तो उसको दिखाना, समझ गए ना, ये सब मेरे टाइम का चीज नहीं है। कोई सिखा करके भेजा है तो जाना, अगला बार कांग्रेसी कैंडिडेट भी लड़ रहा है ना, जाना उसके पास दिखाना। वित्त रहित बंद रखो सब चीज, गखा गखा का ज्ञान नहीं है और बिना मतलब के आ गए हैं। वित्त रहित क्या है? वित्त रहित आप मेरी बात सुनने आए हो कि ये काम करने आए हो और भूल गए हो कि हम 10 साल पहले यहां पर आए थे, आप पूरी रात विकास यात्रा में ठहरे थे यहीं पर, भूल गए इसको क्या? बच्चे थे उस समय आके कहा नहीं दिखाए थे? अभी चुनाव के टाइम में यही सब दिखाया जाता है, ये चुनाव का विषय है। बढ़िया से टांगे सब फोटो लिया है, कल छापेगा तो हो गया आपका क्या, कल्याण हो जाएगा क्या? इसलिए सब बात बंद करिए, इस सबका कोई मतलब नहीं है। अब मेरे लिए तो इन चीजों का महत्व ही नहीं है। बगैर किसी के कुछ दिखाए हमने बिहार में जितना काम कर दिया है, जरा बताओ 50 साल कांग्रेसियों का राज रहा है, अब 15 साल पति पत्नी का राज रहा है बिहार में, जिसको कांग्रेस का भी समर्थन रहा है 7-8 साल, क्या किया है बताओ, कौन सा काम किया? अभी तो बोल रहे थे, कहां सड़क पर चलते थे जी? अब देखना ही होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद में बिहार में आखिर जीत किसकी होती है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें आज की खबर। नमस्कार।